नमस्कार, मी राजरत्न जोंधळे, टॉप न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत. पैशाच्या लालसेपोटी कोण कोणाच्या जीवावर उठेले सांगता येत नाही अशीच एक घटना महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात घडली. 300 कोटीच्या मालमत्तेच्या लालसेपोटी गडचिरोली नगर रचना विभागाची सहाय्यक संचालक अर्चना पुट्टेवार या सुनेने सासऱ्यांच्या हत्येची सुपारी देत त्यांचा खून केला आणि महाराष्ट्रभर एकच खळबळ उडाली. पाहुयात यावरचा टॉप न्यूज मराठीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. मालमत्तेसाठी सुनेकडून सासऱ्याच्या खुनाची सुपारी. तब्बल 300 कोटींच्या संपत्तीसाठी दिली सासऱ्याची सुपारी. अपघातात सासऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा केला बनाव. सून गडचिरोली नगररचना विभागाची सहाय्यक संचालिका अर्चना पुट्टेवार यांनी दिली सासरे पुरुषोत्तम पुट्टेवार यांच्या हत्येची सुपारी. 1 कोटी रुपयांना दिली सुपारी. नागपुरातील मानेवाडा चौकाजवळ 22 मे रोजी झालेल्या कार अपघातात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला. 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पुट्टेवार हे आपल्या मुलीच्या घरी जात होते आणि वाटेत मागून येणाऱ्या कारने त्यांना चिरडलं आणि या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. पुरुषोत्तम यांचा रस्ता अपघातात बळी गेला असावा असं सुरुवातीला पोलिसांना वाटत होतं. मात्र त्यांच्या भावाने पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलून हत्येचा संशय व्यक्त केला. पुरुषोत्तम यांच्या कुटुंबात पत्नी शकुंतला, मुलगा डॉक्टर मनीष, सून अर्चना आणि मुलगी योगिता आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचं CCTV फुटेज पाहिलं आणि पुट्टेवारांचे त्यांच्या जवळच्या लोकांशी असलेले संबंध तपासले असता सार्थक बागडे, मुलगा डॉक्टर मनीषच्या कार चालकावर पोलिसांचा संशय आला. पोलिसांनी मैताच्या मुलाचा चालक याला ताब्यात घेऊन तपास केला असता त्याचे मित्र सचिन धार्मिक आणि नीरज निनावे यांची नावं समोर आली. पोलिसांनी या 2 आरोपींकडे कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी या घटनेची कबुली दिली. 82 वर्षीय मृत पुरुषोत्तम पुट्टेवार यांच्याकडे 300 कोटी रुपयांची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे. मालमत्तेतील वाटा न मिळाल्यानं संतापलेल्या सुनेने सासरे पुरुषोत्तम पुट्टेवार यांच्या हत्येची सुपारी दिली. सुपारी घेणाऱ्यांना खुनात वापरलेली कार खरेदी करण्यासाठी सुनेने पैसेही दिले होते. ही हत्या करण्यासाठी आरोपींना 1 करोड रुपयांची सुपारी देण्यात आली व त्याची ॲडव्हान्स म्हणून 20 लाख रुपये आरोपींना आधीच देण्यात आले. सून अर्चनाने ही हत्या अपघात असल्याचं भासवण्याच्या स्पष्ट सूचना आरोपींना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुरुषोत्तम पुट्टेवार आपल्या मुलीकडे जात असताना त्यानं भरधाव वेगातील कारनं धडक देत त्यांची हत्या केली. आरोपींनी ही हत्या अपघात असल्याचं भासवण्यात यश मिळवलं, पण मयत पुरुषोत्तम पुट्टेवार यांच्या भावामुळे हा हत्येचा प्रकार उघडकीस आला. एक केस हमारे पास में दाखिल हुआ था जो कि इनिशियली AD करके दाखिल हुआ था कि एक्सीडेंटल डेथ है और धनतोली पुलिस स्टेशन के हद में एलेक्सिस हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो है इन्फॉर्मेशन के आधार पे इसको AD बाद में ट्रांसफ़र हुआ अजनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो केस हुआ था अजनी में. एक्सीडेंट जो हुआ था सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है. उसमें जो है एक सीनियर सिटीज़न थे जिनका नाम पुरुषोत्तम पुट्टेवार है, उनकी वो इंजरी के बाद में उनकी डेथ हुई थी. और डेथ के बाद में ये इंसिडेंट जो हुआ था 22 मई को, और AD करके इसमें फर्दर इंक्वायरी चल रही थी. बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन्स मिली और उस आधार पे इसमें जो है केस सेक्शंस नए ऐड किए गए और निष्पन्न ऐसा हुआ कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था और जानबूझ के इसमें ये हुआ था. इसकी इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास में एक एक चीज़ हमने एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा CCTV फुटेजेस ये सब चीज़ें चेक की गई कि किस तरह से हुआ, और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो है मर्डर है. और उसके बाद में हमने इसमें 302 और 120B 120B भी इसमें जो है लगाया है. बाकी और सेक्शंस हैं इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें जो था 302. और ये जो पुरुषोत्तम जो थे इनके ऊपर इससे पहले भी 2 बार ही जानलेवा हमला या फिर एक्सीडेंट इसमें हुए. और ये एक्सीडेंट क्यों हुए, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंची थी.
तो ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचना और इसमें क्यों ऐसा ये बार बार हुआ और थर्ड टाइम इनकी जान चली गई इसमें। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना गुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा नीरज निमजे हैं वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक भागड़े, ये जो है चार लोग इसमें अरेस्ट हैं और दो और भी हमारे अभी ताबे में हैं, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग छः लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसमें जो बिल्कुल डार्क था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और जिस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली गई और क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई की है, हमारे क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होके अभी तक बहुत सीक्रेटली इसमें हमारा काम हुआ है। और एक कैसे इस केस को हम फुल प्रूफ बना सकते हैं, इनके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो, और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो भी इन्वॉल्व है इसमें वो, और इसमें लगभग 17 लाख रुपए की अभी तक हमने प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें कैश गोल्ड और इसके अलावा 4 व्हीकल्स भी हैं। एक व्हीकल जो शुरुआत में स्कूटी जो थी वो इन्वॉल्व हुई थी, इससे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में जो है कार i20 जिसने जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी जो डेथ का कारण भी था बाद में, और उसके अलावा भी 2 कार हैं जो इसमें है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमारा संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोग बता रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन भी पाइपलाइन में है, वो आने के बाद में उसमें फर्दर एक्शन भी हम लोग लेने वाले हैं। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व थे जो एक्यूज्ड वो लगभग सब हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, परंतु इसके अलावा भी क्योंकि ये ऑनगोइंग है केस, सीरियस केस है, सीनियर सिटीजन की इसमें का मर्डर हुआ है, तो इसमें और भी जो चीज़ें आने वाली हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ये था, इसमें पूछा जा रहा था कि इसमें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो अभी तक हम इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते, जो हम एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, वो सब चीजें नहीं मिली थी, तब तक हमने इसमें बताया नहीं था। गडचिरोली नगर रचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार या सुनेने सासऱ्याच्या हत्येची सुपारी देत त्यांचा खून केला आणि महाराष्ट्र भर एकच खळबळ उडाली। भविष्यात आता या प्रकरणात कोणकोणते महत्त्वाचे खुलासे होतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। अशाच महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी पाहत राहा टॉप न्यूज मराठी, आपला महाराष्ट्र आपली बातमी। कम ऑन गाइस, हरी अप, अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं। Guys, I'm telling you, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता। But that's okay, you can learn. Bro, इसका ढक्कन देना। ये रेड वाला है, सही वाला देना। अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना। Manikchand Oxyridge, proudly Indian.